वहीं खंडवा में शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, लेकिन जब उनसे नर्मदा जल योजना पर सवाल किया गया तो वे कन्नी काट गए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हालांकि खंडवा में पानी की समस्या पर और नर्मदा जल योजना में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को झूठा करार दिया। शहडोल में आदिवासियों को भड़काने का आरोप भी लगाया। सभा में कहता है चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया, फटकार लगाई, कहते चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है। और फिर दूसरे मंच पे गए तो फिर कहने लगे चौकीदार चोर है। ऐसे हटीले बच्चे हैं कि मैं जब कोई गलती करता तो मारती है, तो कहता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और छूट के थोड़ी दूर भगा तो फिर कहना माँ फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा। शिवराज ने कहा कि वहाँ गठबंधन में 20 सीटें लड़ने वाले भी पीएम बनने के लिए घुंघरू बांध कर खड़े हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन में सोमवार से शनिवार तक हर दिन एक एक प्रधानमंत्री बनेगा। पांव में घुंघरू बांध के तैयार है, जिनके पास 20-20 सीटें नहीं है। हमें बना दो, मेरे पांव में घुंघरू बना दो तो फिर मेरी चार देखना। हमें प्रधानमंत्री बना दो, ये आगे तो क्या होगा देश को, बनेगा कौन? सोमवार को मायावती, मंगलवार को अखिलेश यादव, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को देवेगौड़ा, शुक्रवार को चंद्रा बाबू, शनिवार को राहुल बाबा, इतवार को छुट्टी। उन्होंने एक एक योजना गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में जब जब बिजली जाती है मामा की याद आती है। शिवराज ने प्रदेश में 29 सीटें जीतने का भरोसा भी जताया। 15 साल में नहीं किए, उन्हें 2-3 महीने में निपटा दिया। सभा पटक दो, वहां से यहाँ उठा दो, यहाँ सभा पटक दो। और बिना लिए लिए नहीं हो रहे। रेट तय, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। 281 करोड़ का तो हिसाब मिल गया, और पता नहीं कितने लूटे होंगे। अरे कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीना में अरबपति। घर बनाए, बिजली आई, लेकिन मामा गए तो बिजली भी जा रही है। जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा। आया तो मामा दिल्ली भग जाए, ये नहीं होगा। मैं इसी सरकार की छाती पर मुंह धर दूंगा। लोकसभा चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधना कहीं नेताओं को भारी न पड़ जाए। खंडवा से स्वप्निल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।